एडिटिंग सिखाने वाला हूँ कि मैं अपने YouTube चैनल के लिए किस तरह से वीडियो को एडिट करता हूँ, और जितना आसान तरीके से हो सके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान तरीके से वीडियो एडिटिंग सिखाया जाए, ताकि आपको जरा भी मतलब कि पता नहीं चले कि भाई हम तो वीडियो भी एडिटिंग सीख गए और पता भी नहीं चला कि वीडियो एडिटिंग सीख गए। तो जब देखिए मैं भी शुरुआत में YouTube पे आया था तो मुझे भी लगा था कि वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है और इसे सीखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगली 10 मिनट में मैं आपको वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। और आप ये भी समझ लीजिए कि किसी भी तरीके का वीडियो, जैसे कि कोई भी शादी का वीडियो आप एडिट करना चाहते हैं, या फिर शॉर्ट फिल्म पे आप काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल है आपका उसके लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं, टिकटॉक के लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो गाइज वो सारा कुछ मैं आपको 10 मिनट के अंदर ही बता दूंगा कि मैं किस तरह से करता हूँ और आप किस तरह से करेंगे। तो गाइज मैं जो सॉफ्टवेयर में आपको वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा वो है वॉन्डर सेल की तरफ से आने वाला फिल्मोरा, और YouTube पे जितने भी मतलब यूट्यूबर हैं वो सारा यूट्यूबर फिल्मोरा का ही यूज करता है। और गाइज सच मानिए कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो लो एंड कंप्यूटर या फिर लो एंड पीसी लैपटॉप में भी आराम से चल जाता है। तो अभी मेरे पास जो लैपटॉप है ये है इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है, इसमें 6 जेन का, और इसमें 2 GB और 4 GB का रैम लगा है, 2 GB का ग्राफिक कार्ड है AMD Radeon की तरफ से आने वाला। तो आपको पता चल गया कि ये लो एंड लैपटॉप है और मैं इसी में आपको फिल्मोरा किस तरह से यूज किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। अब ओपन प्रोजेक्ट में वही प्रोजेक्ट आएगा जो प्रोजेक्ट पे आप पहले काम किए कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट को आपने सेव किया है। तो ऐसा करते हैं, हम न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं क्योंकि हमें नया वीडियो एडिट करना है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए जो लोग बिगनर हैं वीडियो एडिटिंग में, फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं वीडियो एडिटिंग को, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर का क्या कुछ लेआउट वगैरह है, उसके बाद जल्दी से हम वीडियो एडिट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए सॉफ्टवेयर, ये जो फिल्मोरा है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये एक देख सकते हैं बीच में लाइन है, राइट साइड में आपको एक ब्लैक डिस्प्ले दिख रहा है, यहाँ पे आपका जो भी वीडियो आप एडिट करेंगे उसका फाइनल आउटपुट कैसा होगा यहाँ पे आपको दिखेगा, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जितने भी वीडियो का जो मटेरियल होगा, जो जो आप एडिट करोगे उसको, ये वाला जो बॉक्स बना है, ये वाला विंडो है, इसमें आपको रखना पड़ेगा। और ऊपर साइड यहाँ पे आप देख सकते हो मीडिया है, ऑडियो है, टाइटल है, ट्रांजिशन है, इफेक्ट है, एलिमेंट है, यानी कि आप ये सारा चीज़ वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब रही बात नीचे की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका वीडियो का टाइमलाइन है, और यहाँ पे आपको वीडियो का लेयर सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कितने लेयर पे वीडियो एडिट कर सकते हो, होता है डबल लेयर, ट्रिपल लेयर वीडियो होता है ना, तो उस तरह से यहाँ पे आप फोटो भी लगा सकते हो, म्यूजिक लगा सकते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर ऑडियो वीडियो जो भी आप लगाना चाहते हो, तो वो सारा कुछ होता है ये वाला लेयर वाला सेक्शंस में। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले इंपोर्ट करते हैं फाइल को, जो जो फाइल को हमको एडिट करना है। अब देखिए एक वीडियो एडिटिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है एक रॉ वीडियो की, जो कैमरा से शूट हुआ या फिर स्क्रीन रिकॉर्डेड है वो हुआ वीडियो, दूसरा होता है फोटो, किसी फोटो को हमें दिखाना है तो वो फोटो हुआ, तीसरा होता है बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर अपने वॉइस ओवर वाला म्यूजिक जो होता है रिकॉर्डेड ऑडियो, ये 3 चीज़ें होता है। तो उसे इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आप इंपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इंपोर्ट मीडिया फाइल पे क्लिक करके भी कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑडियो फाइल है और फोटो फाइल है, तो मैं यहाँ से एक बार कर लेता हूँ कंट्रोल से इसे सेलेक्ट, जो जो भी आपको फाइल चाहिए उसे सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल से और उसके बाद ओपन करिए। तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है एक ऑडियो फाइल है और एक फ़ोटो है। अब हमें चाहिए कैमरे से रिकॉर्डेड हुए वीडियो या फिर कोई भी वीडियो, यार मैं कैमरे की बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इंपोर्ट मीडिया फाइल, उस पर मैंने क्लिक किया, और उसके बाद ऐसा कर लेते हैं कि कोई भी एक वीडियो है जिसे हमने मतलब कि एक मान लीजिए कि गेम प्ले का वीडियो है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ से एक पबजी का मेरे पास वीडियो पर आए। अब यार ये पबजी मेरे चैनल पर अभी वीडियो एडिट कर रहा था तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये ओपन हो चुका है। अब हमारे पास तीनों चीज़ है, वीडियो फाइल भी है, फ़ोटो भी है, और यहाँ से देख सकते हो हमारे पास ऑडियो भी है। अब आपको क्या करना है, इसको टाइमलाइन में ऐड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपका क्रॉस हेयर आएगा, ऐड टू प्रोजेक्ट, उसके बाद डोंट चेंज मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम लाइन में हमारा यहाँ पर वीडियो आ चुका है। और इसे आप माउस में लेफ़्ट क्लिक करके भी, राइट क्लिक करके भी यहाँ से आप इस तरह से जूम एंड जूम आउट कर सकते हो। अब देखिए ये हमारा वीडियो है,
वीडियो में क्या होता है कि हमें कलर करेक्शन करना पड़ता है, वीडियो में थोड़ा सा कलर को इंक्रीज करना पड़ता है। तो आपको वीडियो के ऊपर डबल क्लिक करना है और देख सकते हैं एक इस तरह से ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको कलर करेक्शन करना है। कलर पे आप जाइएगा और यहाँ से हमने सेचुरेशन को, जो कलर होता है देख सकते हैं, ये बढ़ा दिया। तो इससे आप देख सकते हो कि जो फाइनल वीडियो हमारी इस साइड जो दिख रही है राइट साइड, यहाँ पे हमारा फाइनल वीडियो आ गया। जो भी आप करेक्शन करना चाहते हो, ऑडियो वगैरह टोटल चीज़ आप इसी तरह से यहाँ पे कर सकते हो। अब रही बात कि वीडियो में हमें कट भी करना पड़ता है, मान लीजिए हमें 20 से कट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये जो लाल कलर का एक लाइन है ना, इसको जहाँ पे आपको कट करना है वहाँ पे लेके जाना है। आप इसे जूम भी कर सकते हो, जूम करके भी कट कर सकते हो एकदम मिली सेकेंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैची का बटन है, इसे कहते हैं कट, मतलब इससे आप कट लगा सकते हो अपने वीडियो में। या फिर एक कंट्रोल होता है जो हमें सारा कंट्रोल याद है, कंट्रोल बी करेंगे तो हमारा वीडियो यहाँ पे कट हो जाएगा। देखिए कंट्रोल बी जैसे हम दावे तो प्रेस किए तो यहाँ पे देखिए हमारा दो वीडियो डिवाइड हो गया, ये देखिए। अब हमें मान लीजिए कि लेफ्ट वाले वीडियो को हटाना या फिर बीच से थोड़ा सा कट करना है और फिर हमें जोड़ना है, तो इसे हम थोड़ा सा और इस तरह से थोड़ा सा जहाँ पे आपको कट करना है यहाँ पे लाए और फिर हम इस कट वाले बटन पे प्रेस किए तो देख सकते हैं हमारा बीच वाला हिस्सा कट चुका है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा इधर हटा के दिखाता हूँ, देख सकते हैं बीच वाला हिस्सा कट गया। अब हमें बीच वाले हिस्से को डिलीट करना है, तो सिंपल से उस पर एक बार टैप करिए, उसके बाद कीबोर्ड में डिलीट बटन को प्रेस करिए, इससे आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा। अब आपको इस तरह से इस पर प्रेस करके राइट प्रेस करके इस तरह से आपको दोनों को मर्ज कर देना है, तो जिससे आपकी वीडियो मर्ज हो जाएगी। तो इस तरह से आप कहीं भी कट लगा सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। अब रही बात कि हमें ऑडियो कैसे लगाएंगे, इस पर बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाएंगे, उसके बाद आपको इस तरह से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाना है और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो भी लगा सकते हैं और इसका वॉल्यूम वगैरह सब कुछ कम कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करिएगा तो इसकी प्रॉपर्टी में आइएगा और यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में जो भी आप पिंच वगैरह डालना चाहते हैं, इक्वलाइजर लगाना चाहते हैं, बास बोस उसे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फाइनल वीडियो। अब देखिए आप कहेंगे कि हमें फ़ोटो कैसे लगाना है, तो आपको फ़ोटो पे डबल क्लिक करना है और इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप, ये जो समझ रहे हैं ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाना है और आप अपने वीडियो में कहीं भी फ़ोटो को लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें फ़ोटो इस जगह लगाना है, तो देखिए यहाँ पे फ़ोटो लग चुका है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इस तरह से माउस पे क्लिक करके, कर्सर पे क्लिक करके या फिर टाइम बार पे क्लिक करके इस तरह से जूम भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोटो लग चुका है। देखिए आप जितना वीडियो एडिटिंग में समय देंगे ना, उतनी आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी होगी। अब देखिए ये फुल स्क्रीन पे आ गया, तो हम नहीं चाहते कि इसे फुल स्क्रीन पे, हम चाहते हैं वीडियो में कहीं छोटा सा जगह पे ये शो हो। तो आपको इस पे डबल क्लिक करना है, तो जहाँ पे आपका फाइनल वीडियो है वहाँ पे डबल क्लिक करना है इस वाले फ़ोटो पे और इस तरह से हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। देखिए हमारा ये वीडियो फ़ोटो क्रॉप हो गया और उसके बाद हम यहाँ से इसे जहाँ चाहे हम मूव एंड ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फ़ोटो भी लग गया। तो इस तरह से हम कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं अपने वीडियो में, कुछ भी लगा सकते हैं। अब रही कि हम टाइटल कैसे लगाएंगे, मान लीजिए हमें कुछ नीचे शो करना है, नीचे मतलब यहाँ पे कुछ टाइटल्स हो या फिर कुछ वर्ड्स हो, सेंटेंस यहाँ पे शो करे। जैसे कि देखिए मैं गेमिंग चैनल भी मेरा चलता है जो आदित्य लाइव नाम से है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम शुरू में लगाते हैं हे गाइज व्हाट्सअप। तो देखिए इसमें हमें लिखना है हे गाइज व्हाट्सअप, कैसे लिखेंगे, तो आपको सिंपल से यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऊपर में दिख रहा है टाइटल, टाइटल पे क्लिक करिए और फिल्मोरा में आपको कई सारे टाइटल्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको टाइटल डालना है या फिर जो भी आपको डालना है। नीचे अगर आपको मतलब टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे लोअर थर्ड को सेलेक्ट करिए, ओपनर मतलब वीडियो शुरू होने से पहले कुछ आए तो वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ओपनर है, हम डाल रहे हैं टाइटल, आप कुछ भी डाल सकते हो यार। आप जितना समय दोगे ना, आपकी वीडियो की जो आउटपुट होगी वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो हम यहाँ से इस वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सो जैसे हम प्लस किए तो यहाँ पे देखिए हमारा टाइटल आ चुका है। अब हम इसे जूम करके थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई टाइटल में हम लिखना है ना कुछ, तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे अपने टाइटल पे, तो टाइटल के जो एडवांस जो भी कस्टमाइजेशन होता है उसमें आप चले जाओगे। अब आपको यहाँ पे जो भी टाइटल में लिखना है आपको लिखना है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ऑल से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक वर्ड को लिख देता, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हे गाइज कुछ भी लिख देते हैं यार, कैसे हो, चलिए इसी को लिख दिया। उसके बाद यहाँ से आप स्टाइल को भी चूज कर सकते हो और यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह जो होता है फॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका अच्छा फॉन्ट लगे आपको वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही में आप एडवांस पे आपको क्लिक करना है और एडवांस में जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो हे गाइज कैसे हो आपने लिखा या फिर कोई भी टाइटल्स लिखा, अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड है तो इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट पे क्लिक करिए डिलीट हो जाएगा।
उसके बाद इसे आप क्रॉप भी कर सकते हो और मूव एंड एडजस्ट भी कर सकते हो। इस तरह से देखिए, राइट क्लिक करके रखिए और इस तरह से आप मूव भी इसे कर सकते हो। इसका कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हो, जो भी एक कलर आपको अच्छा लगे वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ईजी है इस फिल्मोरा को यूज करना। उसके बाद जो भी ब्लर करना है, ऑक्यूपेसिटी लगाना है या फिर टेक्स्ट का बॉर्डर आपको ऐड करना है, इस तरह से टेक्स्ट का जो स्ट्रोक बॉर्डर होता है उसका कलर आपको ब्लैक रखना है, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो। देखिए ये हमारा कलर है। अब इस टेक्स्ट में एक एनिमेशन भी आप लगा सकते हो कि हमारा टेक्स्ट किस तरह से शो हो। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा प्रीसेट है, तो अगर आप चाहते हैं ये, तो इस पर क्लिक करिएगा और उसके बाद इसे ओके कर दीजिएगा। तो आपका कन्फर्म टेक्स्ट लग चुका है। अब देखिए एक प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया और जिस जो भी एनिमेशन हम लगाए वो भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपने सब कुछ आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से हम टेक्स्ट लगा सकते हैं, टाइटल लगा सकते हैं। अब रही बात कि हमें अपने वीडियो में ट्रांजेक्शन ऐड करना है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन है। तो मैं आपको कोई भी एक चूज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक ट्रांजेक्शन लगा लिया वीडियो के शुरुआत में ही, तो देखिए किस तरह से शो करेगा। देखिए ये ट्रांजेक्शन हो गया, आप ये ट्रांजेक्शन भी लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ट्रांजेक्शन लग रहा है। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है यार। अब रही बात इफ़ेक्ट की, वीडियो में इफ़ेक्ट आपको लगाना है, कुछ अच्छा इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे इफेक्ट सेक्शन में जाइएगा। एलिमेंट में मैं आ गया, तो मैं इफेक्ट में जाता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए कि आप चूज भी कर सकते हो कि आपको किस तरह से इफेक्ट लगाना है। तो मैं ये वाला इफेक्ट को मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल से प्लस पे क्लिक करिए और देखिए आपका इफेक्ट लग चुका है। अब देखिए आपको प्ले करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि शेक हो रहा है ना, कितना अच्छे तरीके से इफेक्ट आ रहा है। देखिए तो इस तरह से आप वीडियो एडिटिंग को कर सकते हो। किसी भी टाइप का वीडियो है, अगर आपका गेमिंग चैनल है तो आप गेमिंग से रिलेटेड, जैसे कि गेम्स चैनल मैं अभी चला रहा हूँ तो गेम के रिलेटेड भी वीडियो मुझे एडिट करनी पड़ती है, तो मैं इसी तरह से वीडियो को एडिट करता हूँ और देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से एडिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सॉफ्टवेयर को यूज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। अब तो ये रहा कि हमने टेक्स्ट लगा लिया, फाइल मतलब टोटल चीज़ अपने वीडियो में कर लिया, वीडियो में क्रॉप किया, कट किया, पेस्ट किया, म्यूजिक भी लगा लिया, फोटो भी लगा लिए, टेक्स्ट भी लगा लिए, टाइटल भी लगा लिए, ट्रांजेक्शन इफेक्ट वगैरह सब कुछ लगा लिए। आखिरी के स्टेप अब करना होता है कि वीडियो को अब जो भी हमने काम किया उस वीडियो को सेव करना अपने लैपटॉप में, पीसी में। अब देखिए आपको एक ऑप्शन बटन मिलता है, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का बटन मिलता है, आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप एक्सपोर्ट पे करेंगे तो अब आपका फाइल जो है, जो भी आप वीडियो पे काम किए वो फाइल आपके कंप्यूटर में सेव होने लगेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया है, आप एक्सपोर्ट को सेटिंग को बदल सकते हो। तो MP4 पे आप रखिएगा, साथ में आप रेजोल्यूशन भी बदल सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप फाइल का जो फोल्डर है कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो वो भी बदल सकते हो, नेम भी रख सकते हो, यहाँ पे आप जो भी रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वीडियो एडिटिंग, VIDEO एडिटिंग, एडिटिंग वीडियो एडिटिंग। उसके बाद हम यहाँ से सेटिंग करके इसका FPS वगैरह भी चूज कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको 60 FPS रखना है अगर आप वीडियो की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हो कि हमारी वीडियो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के आउटपुट आए, तो उसके लिए आपको यहाँ से बिटरेट सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप बहुत अच्छा वीडियो चाहते हैं, मतलब 4K में एडिट किए हैं या फिर 1080 पिक्सल में भी एकदम टॉप क्वालिटी चाहते हैं, तो आपको बिटरेट ज़्यादा रखना होगा, मिनिमम 30,000 तो आपको रखना ही होगा। मिनिमम मैक्सिमम आपको मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन मिनिमम 20,000 से 30,000 रखिएगा तो आपकी वीडियो क्वालिटी टॉप नॉच क्वालिटी का होगा। लेकिन वहीं पे जैसे आप बिटरेट ज़्यादा करोगे तो आपकी वीडियो की जो फाइल साइज है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि मैं 30,000 रखता हूँ और ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 693 MB का बना है। लेकिन वहीं पे अगर हम बिटरेट को यहाँ पे मिनिमम कर देते हैं, 2000 KB कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 MB में बन गया। कहाँ अभी बन रहा था 600-700 MB और अभी 50 MB बन रहा है। तो ये होता है बिटरेट, यहाँ पे वीडियो जो है थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है और क्वालिटी डाउन हो जाता है, इसलिए आपको बिटरेट ज़्यादा रखना होगा। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, जहाँ पे देखिए नीचे के साइड एक्सपोर्ट ऑप्शन मिल रहा है, एक्सपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपका रेंडर होने लगेगा और कुछ ही देर में वीडियो आपके लैपटॉप में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 17 मिनट 19 मिनट बता रहा है,
तो आपका कंप्यूटर जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, उतना ही तेज़ी से ये रेंडर होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोर i3 सिक्स जनरेशन का प्रोसेसर है, इतने ज़्यादा कोर नहीं होता, मतलब 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे चलने वाला ये प्रोसेसर है, तो इसका जो स्पीड होता है ना, रेंडरिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन वहीं अगर आपके पास राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9 या फिर कोर i7, कोर i9 वाला लैपटॉप है, प्रोसेसर वाला PC है, तो उसमें ये तेज़ी से हो जाता है, वीडियो तुरंत रेंडर हो जाता है। तो होप दोस्तों कि आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग कैसे करना होता है आप लोगों ने सीख लिया। अगर कोई सवाल अभी भी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट में जाइए और वहां पे लिख दीजिए। अगर आप लैपटॉप में एडिट नहीं कर सकते या फिर आपके पास लैपटॉप PC नहीं है और आप चाहते हैं मोबाइल में किस तरह से हम वीडियो एडिट करें, तो ये भी करने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक और ट्यूटोरियल बनाऊंगा जहां पे मैं आपको मोबाइल में किस तरह से वीडियो एडिट किया जाता है, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, उसका भी ट्यूटोरियल हम जल्द ही लाने वाले हैं। तो मेक श्योर करिए कि चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मैं ऐसा करूँगा कि मैंने आपको जितने आसान तरीके